दोस्तों बहुत ही सारी क्वेरीज जो आ रही हैं वो आ रही हैं रिवोकेशन को लेकर के जी हाँ जीएसटी एमनेस्टी स्कीम तो इंट्रोड्यूस कर दी गई है लेकिन जो रिवोकेशन की डेट है उसके अंदर एक्सटेंशन नहीं किया गया है चलिए उसी को लेकर के जो ये मुद्दा उठाया गया है उसके बारे में आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ दोस्तों इस वीडियो को आप सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं काफ़ी सारे टेक्सपेयर्स हैं जो परेशान हैं तो इस ये जो इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया गया है दोस्तों ये ऑल इंडिया टैक्स एडवोकेट एसोसिएशंस के द्वारा उठाया गया है और इसमें लिखा गया है वी आर वेरी मच थैंकफुल टू योर ओनर्स ऑफिस एंड जी एस टी काउंसिल जिन्होंने इस कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक में जी एस टी काउंसिल मीटिंग के अंदर रिड्यूस की है जी एस टी लेट फीस परमानेंटली भी रिड्यूस हो गई है अगर आपने देखा हो मैंने वीडियो भी अपलोड करी थी कि जो अब से आपकी जी एस टी आर थ्री भी जी एस टी आर वन जी एस टी आर सेवन इन सभी पर अब कैपिंग लग गई है अगर आपका डेढ़ करोड़ तक का टर्न ओवर है तो आपके लिए जो जी एस टी आर थ्री बी वन की लेट फीस की जो कैपिंग है वो मैक्सिमम फाइव हंड्रेड लगाई गई है नील टैक्स लाइबिलिटी वालों के लिए तो इस तरीके से कैपिंग भी लगा दी गई है रिड्यूस कर दी गई है परमानेंटली लेट फीस और साथ ही एमनेस्टी स्कीम भी आपने इंट्रोड्यूस करी है जुलाई सत्रह से लेकर के और अप्रैल दो हज़ार इक्कीस तक अगर आपकी रिटर्नस पेंडिंग है तो आप उन एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं पाँच सौ और हज़ार रुपये की मैक्सिमम लेट फीस आपको देनी है पाँच सौ जिनकी इंडल टैक्स लाइबिलिटी है और हज़ार जिनकी टैक्स लाइबिलिटी है लेकिन ध्यान रखिएगा ये बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर आपने फाइल फाइलिंग एक जून से इकतीस अगस्त तक करी है ठीक है तो इकतीस अगस्त तक फाइलिंग जरूर कर लीजिएगा इस बार इस एमनेस्टी का बेनिफिट ले लीजिए क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए कोई भी एमनेस्टी स्कीम नहीं आने वाली है क्योंकि परमानेंटली अब जो लेट फीस है वो रिड्यूस की जा चुकी है अब फ्यूचर में आप कभी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि कोई एमनेस्टी स्कीम आपके लिए आएगी अब जो परेशानियां हैं जो मेन इशू है दोस्तों इस रिप्रेजेंटेशन का वो क्या है वो हम देखते हैं मैनी टैक्स पेयर हुज़ जी एस टी रिटर्नस एंड टैक्स पेमेंट्स वर आउट स्टैंडिंग फॉर पास्ट पीरियड से जिनकी रिटर्न पेंडिंग है जिनकी टैक्स की पेमेंट पेंडिंग है वो अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं टैक्स की पेमेंट करना चाहते हैं क्योंकि ड्यू टू हैवी लेट फीस वो फाइलिंग नहीं कर पाए थे वो अब फाइल करना चाहते हैं बट वो फ़ाइल नहीं कर पा रही हैं नाउ विद जी एस टी एम एस टी स्कीम जो आपने इंट्रोड्यूस करी है टैक्सपेयर अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं अपना आउटस्टैंडिंग टैक्स जमा करवाना चाहते हैं और वो जो है नॉर्मल मेन स्ट्रीम पर आना चाहते हैं कम्प्लाइंस करना चाहते हैं अब ईश्यू क्या आ रहा है उन टैक्सपेयर्स के सामने दे आर जी एस टी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज कैंसल्ड बाय द जी एस टी ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट के द्वारा उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसल कर दिया गया है ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न तो मोस्टली मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं रिटर्न फाइल ना करने की वजह से हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है अब हम क्या करें वन एटी डेज खत्म हो चुके हैं इस सिचुएशन में हम क्या करें तो उसी मुद्दे को यहां पर उठाया गया है एंड टाइम लिमिट ऑफ नाइन्टी डेज फॉर रिवोकेशन ऑफ सच कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं नब्बे दिन फॉर दिस रीजन अब वो अपना एक्टिवेट नहीं करवा पा रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अपनी जो पेंडिंग रिटर्न है या जो अपनी टैक्स लाइबिलिटी है वो पे नहीं कर पा रही हैं दिस इज़ कॉजिंग दी हार्डशिप एंड सीवियर इम्पैक्ट ऑन ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट पर भी आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट को भी लॉस हो रहा है रिवेन्यू का लॉस ऑफ टैक्स कलेक्शन भी गवर्नमेंट के लिए भी ये एक तरह का लॉस है टैक्स पेयर के लिए तो है ही है साथ ही इम्पैक्ट हो रहा है एम एस एम ई पर टू तो डू बिजनेस द इशू इज पैक्यूलियर इन केस ऑफ एम एस एम ई हु मेड मिस्टेक एम एस एम ई जो छोटे व्यापारी हैं छोटे उद्योग हैं उन्होंने मिस्टेक कर दी है लेकिन अब दे वॉन्ट

फोर्स द पर्सन फ्रॉम डूइंग द बिजनेस एंड इम्पैक्टिंग द सेल्फ एम्प्लॉयड नाउ टेक्सपेयर्स आर डिप्राइव्ड ऑफ ट्रू बेनिफिट ऑफ एमनेस्टी स्कीम ड्यू टू द एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट टू एक्टिवेट देयर जी एस टी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो ये भी एक मेन मुद्दा आ रहा है कि गवर्नमेंट आई है एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस करी है ताकि स्मॉल टैक्स पेयर्स को बेनिफिट हो जिनके लिए जो लेट फीस है वो पे करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए आप बेनिफिट लेकर आए हो कि वो बेनिफिट ले अपनी रिटर्न फाइल करें टैक्स की पेमेंट करें लेकिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की वजह से दे कैन नोट डू सो इन मैनी केसेस लिमिट ऑफ नाइन्टी डेज़ जो है रिएक्टिवेट होने की वो लैब्स हो चुकी है तो ये जो सिचुएशन है ये डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है स्मॉल टैक्स पेयर्स को तो एमनेस्टी स्कीम का ये बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं जो आपने इंट्रोड्यूस की है तो यहां पे लिखा हुआ है वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अलाउ हुज सर्टिफिकेट जिनके कैंसिल हो चुके हैं जुलाई सत्रह से अप्रैल इक्कीस के पीरियड में टू री एक्टिव उनको आप एक्टिव करें चांसेस में बी अलाउड टू देम टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट अपनी फंडिंग रिटर्न फाइल करें एंड कम टू द मेन स्ट्रीम ठीक है विद द रिप्रेजेंटेशन वी आर नॉट सपोर्टिंग द टैक्स पेयर हु आर डिफॉल्टर तो यहाँ पे उनको नहीं सपोर्ट किया जा रहा जो डिफ़ॉल्टर है वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि आप रीएक्टिवेट कीजिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिनका टाइम पीरियड ओवर हो चुका है जो अपनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी पे करना चाहते हैं ताकि वो गवर्नमेंट को टैक्स दे सके एम की हेल्प कीजिए सो दैट दे कैन हैव अ गुड स्टार्ट

to consider the above एक्सपेक्ट and grant relief to the person who are desirous of tax compliance ठीक है वी फर्दर होप एंड अर्ली रिलीफ एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से आए क्योंकि जो जी एस टी एम एस टी स्कीम है वो वैलिड है इकतीस अगस्त दो हजार इक्कीस तक ही तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो प्रॉब्लम आ रही है रिवोकेशन की इसको गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करे तो दोस्तों ये था इस रिप्रेजेंटेशन का मेन मुद्दा आप इसे एग्री करते हैं सहमत है इसे सपोर्ट करते हैं तो इसे शेयर कीजिए सपोर्ट कीजिए ट्विटर पर सपोर्ट कीजिए ताकि गवर्नमेंट आपकी बात को सुने जिस तरह से जी एस टी स्कीम का बेनिफिट लेकर के आई है आपके लिए भी ये बेनिफिट लेकर के आए